बबीता कौरव, योर इंग्लिश टीचर, एंड आई वेलकम यू ऑल इन योर इंग्लिश क्लास. एंड टुडे वी विल स्टडी क्लास 3, लेसन 3. द नेम ऑफ अवर लेसन इज सम एप्पल्स प्लीज. देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मीन्स जहाँ चाह है वहाँ राह है. इफ यू रियली वॉन्ट समथिंग एंड वर्क हार्ड फॉर इट यू विल गेट इट, मीन्स अगर आप किसी चीज के बारे में चाहते हो तो, अगर आप किसी चीज को गेट करना चाहते हो तो अगर आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ अ वुमेन गेट्स वॉट शी वॉन्ट्स बाय बींग काइंड एंड हेल्पफुल. तो इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट अ वुमेन विच गेट वॉट शी वॉन्ट्स, है ना, जो वो वुमेन चाहती है उसको मिल जाता है उसके हार्ड वर्क से और हेल्पफुल नेचर से. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन सेक्शन 1. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमेन हु वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई फॉर सपर. एक बार एक ओल्ड वुमेन थी जो सपर मीन्स नाइट में जो खाना खाते दैट इज कॉल्ड सपर. सपर में एप्पल पाई, एप्पल की पाई मीन्स सैलेड फ्रूट जूस बनाकर खाना चाहती थी. She had plenty of flour and butter and plenty of sugar and spice, but she did not have any apples. उसके पास बहुत plenty of flour, flour means आटा, बहुत सारा आटा था, butter भी था, plenty of sugar भी थी, spice मसाले भी थे, but लेकिन उसके पास कोई भी apple नहीं था. She had a tree full of plums. उसके पास एक tree था जो full of plums. Plums means बेर, इसमें बहुत सारे plums थे. The roundest and reddest that you can imagine. Red color के round round बेर थे जिसमें. But no one can make an apple pie with plums. लेकिन plums से तो कोई apple pie बना नहीं सकता. So she dressed in her finest clothes and went out to seek some apples. इसलिए वो अपने अच्छे ड्रेसअप होकर और बाहर गई कुछ एप्पल्स को ढूंढने के लिए. ऑन हर आर्म शी हैड अ बास्केट ऑफ प्लम्स फ्रॉम हर प्लम ट्री. और उन्होंने एक बास्केट लिया जिसमें उसने क्या किया, बहुत सारे प्लम्स अपने प्लम ट्री से तोड़कर रख लिए. देयर मे बी समवन हु हैज एप्पल्स बट नीड प्लम्स. और ये सोच के उसने रख लिया कि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जिसके पास बहुत सारे एप्पल्स हों और उन्हें प्लम्स की नीड हो तो वो उनसे ही एक्सचेंज कर सकती हैं. सून द ओल्ड वुमेन केम टू अ पोल्ट्री फार्म फिल्ड विथ फाइन हैंस एंड गीस. और चलते चलते वो एक पोल्ट्री फार्म पहुंची जहां पर बहुत सारी हैंस थी और गीस थे. अ यंग वुमेन स्टूड इन देयर मिडेस्ट फेडिंग देन येलो कॉर्न. शी नॉडेड टू द ओल्ड वुमेन एंड द ओल्ड वुमेन नॉडेड बैक. A young woman, और वहां पर उन्होंने एक यंग वुमेन को देखा जो अपने हैंस को गीस को येलो कॉर्न फीड कर रही थी, मींस खिला रही थी. She nodded to the old woman. उसने nodded भी सिर हिलाना, उसने old woman की साइड nodded back. And soon the two were talking. और वो जो लेडी थी पोल्ट्री फार्म की, उसने अपना सिर हिलाया, उसके बाद ओल्ड वुमेन ने अपना सिर हिलाया और फिर दोनों बात करने लगे. द यंग वुमेन टोल्ड द ओल्ड वुमेन अबाउट हर हैंस एंड द ओल्ड वुमेन टोल्ड द यंग वुमेन अबाउट द एप्पल पाई एंड द बास्केट ऑफ प्लम्स फॉर विच शी होप्ड टू गेट एप्पल्स. तो वहां पर जब वो लोग टॉकिंग करने लगे तो यंग वुमेन ने ओल्ड वुमेन को अपने हैंस और गीस के बारे में बताया और ओल्ड वुमेन ने अपने प्लम्स के बारे में बताया यंग वुमेन को. डियर मी सेड द यंग वुमेन व्हेन शी हर्ड दिस माय हस्बैंड लव्स प्लम जैम. और जब यंग वुमेन ने सुना कि जो ओल्ड वुमेन है उसके पास बास्केट है एक फुल ऑफ, जो कि फुल ऑफ प्लम्स है, तो उसने कहा कि मेरे जो हस्बैंड है उन्हें प्लम का जो जैम है बहुत पसंद है. आई कैन ऑफर यू अ बैग ऑफ फेदर्स फॉर योर प्लम्स. और मैं तुम्हें इन प्लम्स के बदले अ बैग ऑफ फेदर्स आपको दे सकती हूँ. द ओल्ड वुमेन एम्प्टीड द प्लम्स इनटू द यंग वुमेन्स एप्रॉन एंड पुटिंग द बैग ऑफ फेदर्स इनटू हर बास्केट ट्रस्ट एज बिफोर. और फिर ओल्ड वुमेन ने यंग वुमेन को बास्केट्स के जो प्लम्स थे वो दे दिए और
उसने जो उसको फेदर्स दिए थे वो उसने अपने बास्केट में रख लिए। शी सेड टू हरसेल्फ, आई हैवंट गॉट माय एप्पल्स बट एट लीस्ट फेदर्स आर लाइटर टू कैरी देन प्लम्स। और फिर उसने कहा खुद से कि मैं अपने एप्पल्स तो नहीं मिले मुझे, लेकिन कम से कम ये जो फेदर्स हैं इनको प्लम्स से कैरी करना है तो ज़्यादा इजी होगा। अप द हिल एंड डाउन शी वेंट अंटिल शी केम टू अ फार्म हाउस। और फिर वो और गई हिल पर और वहाँ पर उन्हें एक फार्म हाउस मिला। द मोस्ट डिलिशियस स्मेल्स केम वेफ्टिंग आउट ऑफ द किचन विंडो। और वहाँ से और उस हाउस के किचन विंडो से बहुत ही डिलिशियस मीन बहुत ही स्वादिष्ट स्मेल आ रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टॉप्ड एट द गेट टू स्मेल द फ्रेश ब्रेड एंड केक्स। और जो ओल्ड वुमेन थी वो उस फार्म हाउस के गेट पर रुक गई ताकि वो उन डिलिशियस ब्रेड और केक की स्मेल को ले सके। As she stood there, she heard a man and woman quarreling. और जब वो वहाँ पर खड़ी हुई तो उन्होंने सुना एक मैन और वुमेन को क्वारल करती हुई। क्वारल मीन्स आपस में झगड़ा करती हुई। Cotton, said the woman. वुमेन कह रही थी cotton. Straw, said the man. मैन ने कहा straw. Then they saw the old woman at the gate. और फिर उन्होंने old woman को गेट पर देखा। Here is the person who will settle the matter, said the woman. और वुमेन ने कहा कि चलो यहाँ पर एक पर्सन है जो हमारे मैटर को सेटल कर सकती है। She called out to the old woman. Good mother, answer my question. और फिर उस वुमेन ने जो कि मैन से क्वारल कर रही थी, झगड़ा कर रही थी, उन्होंने ओल्ड वुमेन को बुलाया और कहा गुड मदर आंसर माय क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ यू वर मेकिंग अ कुशन फॉर योर ग्रैंडफादर्स चेयर वुड यू नॉट स्टफ इट विद कॉटन। वुमेन ने कहा कि ओल्ड वुमेन अगर आप अपने ग्रैंडफादर की चेयर के लिए कुशन बनाएंगे तो क्या आप उसमें कॉटन फिल नहीं करेंगी। नो सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन ने कहा नहीं। आई टोल्ड यू सो, क्राइड द मैन। फिर मैन ने कहा हाँ मैंने भी इससे यही कहा है। स्ट्रॉ इज द थिंग, उसने कहा स्ट्रॉ फिल करेंगे हम। However, the old woman shook her head. और old woman ने अपना सिर हिलाया। I would not stuff the cushion with straw either, she said. और उन्हें कहा कि मैं कुशन में स्ट्रॉ भी फिल नहीं करूंगी। Then the old woman took the bag of feathers out of her basket and gave it to them. और फिर old woman ने अपने basket से feathers का bag निकाला और उन्हें दे दिया। A feather cushion is fit for a king, she said. और उसने कहा कि एक king के लिए feather cushion means cushion में feather वो ज़्यादा सही रहेगा। And as for me, an apple for a pie, or maybe some of that nice bread from your kitchen. और मेरे लिए या तो apple pie या फिर आपके kitchen से bread. The man and woman had no apples, but they gladly gave her two loaves of bread from their kitchen for her bag of feathers. तो मैन एंड वुमेन के पास एप्पल्स तो नहीं थे लेकिन उन्होंने बहुत ही ग्लैडली बहुत हैप्पीली ओल्ड वुमेन को ब्रेड लाकर अपने किचन से दे दिए। सेक्शन 2 अ गुड बार्गेन थॉट द ओल्ड वुमेन एज शी वॉकड ऑन। और जब ओल्ड वुमेन वॉक करते जा रही उसने सोचा अ गुड बार्गेन मीन्स अच्छा सौदा किया उसने। शी हैड जस्ट गॉट टू अ टर्न इन द रोड व्हेन शी सॉ अ मदर विद हर चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन अ डोरवे। और जब वो रोड से टर्न ले रही थी तो वहाँ पर उन्होंने एक मदर को देखा अपने चिल्ड्रन के साथ जो डोर के पास खड़े हुए थे। देयर फेसेस वर एज सैड एज हर ओन वॉज हैप्पी। और उन मदर और चिल्ड्रन के फेस उतने ही सैड थे जितना कि ओल्ड वुमेन हैप्पी थी। वॉट इज द मैटर, शी आस्क्ड देम। और उसने पूछा क्या बात है। द मदर आंसर्ड We do not have money to buy food. उसने कहा कि हमारे पास food buy means खाना भोजन खरीदने के लिए money पैसा नहीं है। What a pity! कितनी दया की बात है। Cried the kind old woman when she heard this. और जब old woman ने ये सुना उन्हें उस पर दया आ गई। Never shall it be said of me that I eat apple pie for supper while my neighbors haven't got even bread to eat. और ओल्ड वुमेन ने कहा कि कोई ये कहे कि एक
जो वुमेन थी उसने सफर में एप्पल पाई खाई, बल्कि उसके नेवर के पास खाने के लिए इवन ब्रेड भी नहीं था, तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। शी पुट द लोफ इन टू द मदर्स हैंड्स एंड हरीड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर थैंक्स। और उसने उस मदर को ब्रेड दे दिए और ये भी वेट नहीं किया कि वो थैंक बोले। सून द मदर एंड चिल्ड्रन ओवरटुक हर लॉफिंग हैप्पीली एंड मैरीली। और फिर मदर और चिल्ड्रन उनके पीछे गए और हैप्पीली, बहुत हैप्पीली उनसे बात की। वी हैव लिटिल टू गिव यू, सेड द मदर। और मदर ने कहा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है, कुछ छोटा है। थैंक यू फॉर द ब्रेड। और उन्होंने ब्रेड के लिए थैंक यू कहा। प्लीज टेक दिस लिटिल डॉग विथ यू, प्लीज इस लिटिल डॉग को अपने साथ ले जाइए। He will keep you happy. वो आपको happy रखेगा। The old woman did not have the heart to say no, so into the basket went the little dog. और old woman किसी को ना कभी नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने dog भी ले लिया। The old woman, a bag of feathers for a basket of plums, two loaves of bread for a bag of feathers, a dog for two loaves of bread, all the world is give and take. और old woman ने सोचा, a bag of feathers for a basket of plums, कि कैसे उन्होंने feathers ले लिए और plums दे दिए थे, two loaves of bread for a bag of feathers, और bag of feathers देकर bread ले लिए, और अब यहाँ पर उस poor mother को उन्होंने क्या bread दे दिया और उनसे dog ले लिया। means पूरा world give and take, पूरे world में देना और लेना होता है। I may still have my apple pie, हो सकता है अभी भी मुझे apple pie मिल जाए, said the old woman hopefully as she hurried on. और फिर वो आगे चली गई। And sure enough, she had not gone half a dozen yards when she saw an apple tree as full of apples as her plum tree was full of plums. और वो थोड़ी दूरी चली कि उन्होंने एक apple tree देखा जो कि apple से उतना ही भरा हुआ था जितना कि उनका plum tree था। It grew in front of a house, और ये apple tree एक house के सामने grew हुआ था। On the porch of the house sat a little old man, और वहाँ पर उन्होंने house के porch में एक old man को बैठा हुआ देखा। A fine tree of apples, called the old woman, और old woman ने कहा, a fine tree of apples. Aye, but apples are poor company when a man is growing old, said the old woman. Old woman ने कहा, बट एप्पल्स आर पुअर कंपनी, मीन्स एक लोनली मैन के लिए एप्पल्स पुअर कंपनी है, उनकी कोई कंपनी नहीं उसकी। आई वुड गिव देम ऑल अवे इफ आई हैड अ लिटिल डॉग, आई वुड गिव देम ऑल अवे इफ आई हैड अ लिटिल डॉग। और उन्होंने कहा कि मैं उन एप्पल्स को किसी और को दे देती अगर मेरे पास एक डॉग होता। वाओ वाओ, कॉल्ड द डॉग इन द ओल्ड वुमेन्स बास्केट, और जो ओल्ड वुमेन के बास्केट में जो डॉग था वो भों भों करने लगा। Then in less time than it takes to read this story, he was barking on the old woman's doorstep. और फिर जो डॉग था वो ओल्ड वुमेन के डोर स्टेप पे जाकर बार्क करने लगा, भौंकने लगा। The old woman was on her way home with a basket of apples on her arm. और फिर ओल्ड वुमेन वहाँ से एप्पल लेकर अपने घर चली गई। For supper that night she had the apple pie to the very last crumb and how she enjoyed it. और फिर उन्होंने घर जाकर apple pie बनाई और उसको बहुत enjoy किया। Now new words. Plenty, plenty means बहुत ज़्यादा। Nodded, nodded means सिर हिलाना। Apron, ऊपर से wear करते हैं, पहनते हैं। Trust means धीरे धीरे चलना। Wafting, wafting means उड़ा ले जाना। Bargain, bargain means give and take, सौदा करना। Merrily, merrily means happily। Crumb, crumb means टुकड़ा। Now exercise, let us see what we have learned। Comprehension, question number A, tick the correct option, correct option पे tick करना है। First, what did the old woman wish to eat for supper? Old woman क्या eat करना चाहती थी supper में? Apple pie, oranges, apples. So correct answer is apple pie. So we will tick here. Question number 2.
What did the old woman get in exchange of the feathers? Feathers के exchange में old woman को क्या मिला था? Jam, plum, bread. So correct answer is plum. Next, what did the poor mother give to the old woman? Poor mother ने old woman को क्या दिया? A little cat, a little dog, a bird. So correct answer is a little dog. Fourth. The old woman exchanged the little dog for. Old woman ने little dog किसके लिए exchange किया? Pears, mangoes, apples. So correct answer is apples. Now, question number B. Match the columns to complete the sentences. Sentence को complete करने के लिए matching करना है. Column A, column B. The old woman wanted to have apple pie for supper. Old woman apple pie eat करना चाहती थी supper में. Second, the quarreling couple had a kitchen full of bread. जो couple quarrel कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, उनके kitchen में बहुत सारे bread थे. Third, the lady at the poultry farm gave the old woman a bag of feathers. जो poultry farm पर जो lady थी, उन्होंने old woman को feathers दिए, a bag. The poor family did not have food to eat. Poor family के पास eat करने के लिए कुछ भी नहीं था. The lonely old woman longed for a dog. Next, question number C. Think and answer. Wasn't the old lady a wonderful person? क्या old lady एक अच्छी person नहीं थी? Write a few sentences about the old woman using information given in the box. इन information की use करके हमें old woman के बारे में कुछ sentence write करना है. Loved apple pie and worked hard to get it. उसे apple pie बहुत पसंद थे और उन्होंने उसके लिए बहुत hard work भी किया. Greeted pupil, pupil को greet करती थी. Sorted out the fight between the couple, couple के बीच में जो fight हो रही थी उसको sort out किया था. Gave all bread to the poor family who did not have anything to eat. Poor family जिसके पास eat करने के लिए कुछ नहीं था उनको food दिया था, bread दिए थे. Talked to the young woman as if she had known her for a long time. और young woman से बहुत देर के लिए बातें की जैसे कि वो उसको बहुत देर नौ से जानती हूँ. Gave the little dog to the lonely old woman. और जो lonely old woman थी उनको उसने dog भी दिया था. Now question number D. Who said to whom? I can offer you a bag of feathers for your plums. किसने कहा था? The lady at the poultry farm said to the old woman. Second, I would not stuff the cushion with straw either. Who said? Old woman said to quarreling couple. Third, what is the matter? Old woman said to poor mother. Fourth, he will keep you happy. Poor mother said to old woman. Fifth, a fine tree of apples. Old woman said to herself. Now question number E. Let us answer the questions given below. Question number 1. What did the old woman have instead of apples? Apples ki place par old woman ke paas kya tha? Answer. She had plenty of flour, butter, sugar, spices and a tree full of plums. Unke paas flour, butter, sugar aur ek ped tha jisme bahut sare plums lage the. Second question. Who loved plum jam? Plum jam किसको पसंद था? Answer. The husband of young woman loves plum jam. जो young woman means जो lady poultry farm पर जो lady थी, उनके husband को plum jam बहुत पसंद था. Question number 3. Who were quarrelling and why? कौन quarrel कर रहा था और क्यों कर रहे थे? Answer. A man and woman were quarrelling
मैन और वुमेन क्वारल कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? अ मैन एंड वुमेन वर क्वारलिंग फॉर द थिंग शुड बी फिल्ड इन द ग्रैंडफादर्स कुशन ग्रैंडफादर्स चेयर कुशन मीन्स अ मैन एंड वुमेन वर क्वारलिंग क्यों कर रहे थे वो क्वारल फॉर द थिंग शुड बी फिल्ड इन द ग्रैंडफादर्स चेयर कुशन मीन्स ग्रैंडफादर की चेयर के क्वेश्चन में क्या फिल होना चाहिए उसके लिए वो मैन एंड वुमेन क्वारल कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन यू से दैट द ओल्ड वुमेन वॉज अ काइंड लेडी. आप कैसे कह सकते हैं कि ओल्ड वुमेन एक काइंड लेडी थी. आंसर द वुमेन गेव द ब्रेड लोफ्स टू द पुअर लेडी. क्योंकि वुमेन ने उस पुअर लेडी को ब्रेड लोफ्स दिए थे जबकि उनके पास रिटर्न करने के लिए कुछ भी नहीं था. क्वेश्चन नंबर 5. Where and how did the old lady get apples for her apple pie? Means कैसे और कहाँ old lady को apples मिले? Answer: The old lady saw an apple tree in front of a house. There she saw an old woman sitting alone. Old lady ने एक house में apple tree देखा जहाँ पर एक old woman बैठी थी. So she gave the dog to the old woman. तो उन्होंने उसके पास जो dog था वो old woman को दे दिया for her company, उनकी company के लिए for a basket of apples. और वहां से उनसे apples ले लिए. Question number F. Circle the correctly spelled word in each set. यहाँ पर हर set में हमको जो word जिसकी spelling correct है उसमें circle करना. First sandwiched, sandwich, sandwich, sandwich. So correct spelling is S-A-N-D-W-I-C-H, sandwich. Second, something, 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 something. So correct word is S-O-M-E-T-H-I-N-G, something. Third, knitting, 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 knitting. So correct spelling is K-N-I-T-T-I-N-G, knitting. Next, woolen, 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 woolen. So correct spelling is W-O-O-E-N, woolen. Next, feather, 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 feather. So correct spelling is F-E-A-T-H-E-R, feather. Next, basket, 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 basket. So correct spelling is B-A-S-K-E-T. Now, grammar fun. Pronouns. Pronouns are such words that are used in place of nouns. Means pronouns ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम nouns की place पर use करते हैं, noun की जगह पर use कर सकते हैं. See, for example, the old woman had flour and sugar. The old woman had no apples. Here two sentences are there. First, कि old woman के पास flour and sugar थे. And second sentence is the old woman had no apples. उनके पास apple नहीं थे. So, हम कैसे write कर सकते हैं? The old woman had flour and sugar. She had no apples. So, इस sentence में यहाँ पर जो old woman था, ये क्या है? Noun है. और इसकी place पे हमने जो word use किया, she, this is pronoun. So, pronouns are such words that are used in place of nouns. जिनको हम nouns की place पर use करते हैं. So, now, they are he, she, them, we, they are some pronouns. Now, question number G. Fill in the blanks with I, me, them, we, us. I means मैं, me means मुझे, them means उनका, we means हम, us means हमारा. Question number 1. Blank I have a brother called Shiv. So what will come? I.
Second, Shiv calls blank Didi, which means elder sisters. What will come? Me. Blank like being called Didi. So, I. Fourth, it makes me feel grown up. Everyone who meets the two of us says we look like twins. Sixth, then we have to remind them that I am one whole year older than him. Next, Shiv and I do lots of things together. Question number 8. I love my brother very much. Now, question number H. Fill in the blanks with he, she, it or they. He, she, it or they से हमको blank को fill करना है. First, do you know that woman? Girl, उससे क्या करें? Do you know that woman? Yes, she is my neighbor. हाँ, वो मेरी neighbor है. Next, do you know those people? आप उन लोगों को जानते हैं? Yes, they are my teachers. तो यहाँ पर एक ही वुमेन की बात हो रही थी इसलिए शी का यूज किया, बट यहाँ पे मोर देन वन मैन है इसलिए हम क्या यूज करेंगे? THE बाय दे. नेक्स्ट, लुक एट द ईगल. नो, इट इज नॉट एन ईगल, इट इज अ क्रो. यह ईगल नहीं है, ये क्या है? क्रो है. नेक्स्ट, व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है? ही इज प्रेइंग, वो प्रे कर रहा है, प्रेयर कर रहा है. नेक्स्ट, Listening and speaking skills. Your teacher will read the following poem. Speak aloud after her. ये poem हमको read करना है और आप भी read करेंगे. When I was at the party, said Pakhi, aged just 4, a little girl fell off her chair right down upon the floor. जब मैं party में थी, Pakhi ने कहा, aged just 4. कितने year की थी? 4 years की. A little girl fell off her chair. एक little girl अपनी chair से गिर गई. ये देखो आप, look at the picture. Chair से गिर गई. Right down upon the floor. कहाँ गिरी? Floor पर, फर्श पर. And all the other little girls began to laugh, but me, I did not laugh a single bit. Said Pakhi seriously. And all the other little girls. और party में जितने भी बाकी little girls थी, वो सब laugh means हंसने लगी. But I didn't laugh, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हंसी. Said Pakhi seriously, Pakhi ने seriously कहा. Why not? Her mother asked her. Mother ने पूछा, क्यों? तुम क्यों नहीं हंसी? Full of delight to my find, पूरे happily mother ने पूछा कि तुम क्यों नहीं हंसी? That Pakhi with her gentle heart had been so sweetly kind, क्योंकि जो Pakhi थी उसका heart बहुत gentle था और बहुत sweet थी वो. Why didn't you laugh, my darling? Or don't you like to tell? तो मदन ने कहा कि बेटा, तुम क्यों नहीं हंसी? या तुम्हें बताना अच्छा नहीं लग रहा है? I didn't laugh, said Pakhi, because it was me that fell. तो Pakhi ने कहा, मैं इसलिए नहीं हंसी क्योंकि जो girl गिरी थी, वो मैं ही तो थी. Now again we will read the poem. When I was at the party, said Pakhi, aged just 4, a little girl fell off her chair right down upon the floor. And all the other little girls began to laugh, but me, I didn't laugh a single bit, said Pakhi seriously. Why not? Her mother asked her, full of delight to find that Pakhi with her gentle heart had been so sweetly kind. Why didn't you laugh, my darling? Or don't you like to tell? I didn't laugh, said Pakhi, because it was me that fell. Next, writing skills. Question number J. Write a character sketch of the old woman in your own words. Means old woman के बारे में आपको write करना है. The old woman was hardworking. Old woman hardworking थी, बहुत मेहनत करती थी वो. Next, she was very kind और बहुत kind भी थी poor lady को उन्होंने. फूड दिया ईट करने के लिए, कपल की क्वारलिंग को, मैटर को सॉर्ट आउट किया था. शी ऑल्सो हेल्प अदर, दूसरों की हेल्प भी करती थी. शी डिसाइडेड टू गेट वॉट शी वॉन्ट्स बाय बींग काइंड एंड हेल्पफुल. और जो उसे चाहिए था एप्पल पाई, उन्होंने वो डिसाइड किया लेने का बहुत काइंडली और बहुत हेल्पफुली. उन्होंने दूसरों की हेल्प भी की.
क्योंकि जो ओल्ड वुमेन थी बहुत काइंड भी थी. सो स्टूडेंट्स, हियर योर लेसन 3 इज कंप्लीटेड. आई विल बी बैक विद द न्यू लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ गुड डे.